हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गोभी के पकौड़े। और अगर आपके घर कोई जल्दी से आ जाता है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, अगर आपके पास गोभी का खून रखा हुआ है, तो उसको झटपट कैसे तैयार करते हैं आपको बताते हैं। तो ये हमारे पास गोभी होगा 250 ग्राम। यहाँ पर मेरे पास पानी है जो हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इसके हम गोभी को इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद और इसमें डालूँगी मैं हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डालूँगी। इसके बाद जब तक इसमें बॉयल आएगा, एक तरफ मैं अपना बेसन तैयार कर लूँगी, अपना घोल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने डाला है नमक। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने डाला है काला नमक। तो आप कभी गोभी के पकौड़े बनाइए तो उसमें काला नमक ऐड करके देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट होता और बहुत अच्छा डाइजेस्ट भी होता है, क्योंकि बेसन हैवी होता है। इसलिए हमें अगर काला नमक आप डालोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। जब तक हमारा खोलता है, हमने बेसन को तैयार कर लिया। बेसन में हमने सिर्फ सिंपल वही स्पाइसेस डाले हैं, हरी धनिया, सूखी मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चाट मसाला, नमक और यही थोड़ी सी हमने हींग डाली, पिंच बार हमने अजवाइन भी डाली है। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती हैं। जब तक हमारा ये खोलने पे आ गया, जब तक हमने साइड में बैटर को रेस्ट होने के लिए रख दिया, जब से 2-4 मिनट में हमारा बैटर रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जब तक हमारा उबाल होने लगेगा, यहाँ पर ये देखिए बुलबुले आने लगे हैं, ये देखिए। तो हमने अच्छे से एक बस एक हल्का सा बॉयल आ जाए, हमने निकाल लिया है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो गोभी की गोभी होती है हल्की से सॉफ्ट हो जाती है, हमको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद बैटर में डिप कर करके डाल देंगे, ऐसे करके, ये देखिए इसमें डाल देंगे ये ऐसे। इसके बाद इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ डालूँगी, आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मैंने इतने गोभियों को डाल दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने कुछ फ्राई किया हुआ था, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ इसी तेल में फिर से फ्राई कर ले रही हूँ, ये देखिए। तो अभी मैंने इसमें कुछ किया हुआ था, मैंने सोचा चलाओ इसी में कर देते हैं, ये देखिए इसमें डाल देंगे जब तक ये पकता रहेगा। अगर बेसन ना फैले, उसके लिए मैं एक ट्रिक अभी आपको बताने वाली हूँ। ये फर्स्ट बैच जब तक हमारा फ्राई होता है, तब तक आपको मैं बता देती हूँ मुझे करना क्या है। ये देखिए थोड़े से और डाल देती हूँ, ये आपस में चिपकेंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास गोभी है, सारे गोभी को डाल देंगे उसी बैटर पे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे जो पकौड़े हैं बहुत करारे बनेंगे, स्टिकी नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। यहाँ पर हमने डाल दिया है गोभी में, पूरे गोभी को हमने पूरे बैटर में मिला लिया है। इससे क्या होगा कि हमारा गोभी भी पूरा अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा, और जो बेसन है वो इधर उधर फैलेगा नहीं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा बेसन नहीं घोला है कि वो एक्स्ट्रा बचेगा। इसलिए उसी बेसन में हमने सारे गोभियों को डाल दिया। मैंने सेकंड बैच भी तलने के लिए डाल दिया, एक बैच मैं निकाल चुकी हूँ। आप देखें कितने अच्छे करारे बन के निकलेंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अंदर से अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से बिल्कुल करारे। गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि झटपट भी तैयार हो जाते हैं। अब अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो इस तरीके से आप तुरंत बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मैं इसको निकाल लेते हैं, ये आप खुद ही देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा कलर, और टेस्ट भी उतना ही अच्छा जितना कि इसमें कलर दिख रहा है बहुत। तो फ्रेंड्स, अगर तुरंत बनाना हो तो आप, अगर कोई मेहमान आ जाए या आपका खुद का खाने का मूड हो, तो आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई ताम झाम नहीं, और 5 से 7 मिनट में तैयार भी हो जाते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी बने थे। तो आप किसी भी चटनी सॉस के साथ, हरी चटनी, ये मेरे पास टमाटर की चटनी है, मैं टमाटर की चटनी के साथ सर्व करूँ, तो फ्रेंड्स इनको ज़रूर बनाएगा, ज़रूर खाइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और बाकी जो कोई भी अगर नया वीडियो देखना है, नया कुछ पूछना है, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे को कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। ये देखिए पकौड़े बहुत टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, पकौड़े ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यम्मी बने हुए थे, जो झटपट रेसिपी, बहुत क्विक रेसिपी और बहुत अच्छी टेस्टी थी फ्रेंड्स। थैंक।